हर गेम में अपडेट आता है, लेकिन हमारे फ्री फायर ही एक ऐसा गेम है जिसमें अपडेट आने पे पूरा दिन गेम बंद रहता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? बाकी गेम जैसे ओपन होके भी तो अपडेट हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक अकेला ये गेम है जो आज तक कभी भी फ्री फायर चलते चलते मतलब कि ऑन होकर भी अपडेट नहीं हुआ है। मतलब हमेशा ये एक दिन का समय लेता है अपडेट होने के लिए। ऐसा क्यों आपको पता है वे लोग? तो पहले आप लोगों को पता है, जब हम लोग गेम में एरोप्लेन से लैंड करते हैं तो हम लोग को पैरों में एक सर्फबोर्ड आता है, ठीक है। एंड पहले आप लोगों को पता है वो सर्फबोर्ड पहले के समय पे नहीं हुआ करता था, मतलब आज से करीबन 3 साल 2.5 साल पहले वो नहीं हुआ करता था, ठीक है। पहले आप लोगों को पता है वो कब लॉन्च हुआ हमारे फ्री फायर में, सर्फबोर्ड आखिर क्यों है, एंड भाई लोग ये कब लॉन्च हुआ आपको पता है? तो भाई लोग आज हम लोग ऐसे ही मिस्टीरियस फैक्ट के ऊपर बात करने वाला है जो आपको नहीं पता, आप कभी सोचे भी नहीं हो तो क्या भाई ऐसा भी हो सकता है। एंड आप लोग से बता दो भाई लोग कि आज हम लोग का रमज़ान स्टार्ट हो चुका है, एंड भाई लोग आप सभी लोगों को तहे दिल से रमज़ान मुबारक हो, एंड आपको और एंड आपकी पूरे फैमिली को, एंड घर पे रहना है, सेफ रहना एंड ध्यान रखना सबका, ठीक है, और अपना भी। एंड भाई लोग आप लोग से बता दूँ, इस वीडियो में आप ऐसे किसी 5 लोगों को मिलने वाला है 300 डायमंड, तो भाई लोग वो आप भी जीत सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, पार्टिसिपेट कैसे होना है आपको पता चल जाएगा, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो भाई लोग प्लीज़ घर पे रहिएगा एंड ध्यान रखिएगा। चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड भाई लोग अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे भाई लोग सब्सक्राइब कर लीजिए यार, बुरा लगता है। एंड प्लीज़ यार, मैं चाहता हूँ कि रमज़ान महीने तक मेरा 1 मिलियन हो जाए इंशाल्लाह, तो भाई लोग प्लीज़ ऐसा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लव यू मेरे भाई लोग। तो भाई लोग अभी का हमारा लेवल 1 का हेलमेट कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। लेकिन भाई लोग आज से 3 साल पहले की बात की जाए तो उस समय लेवल 1 का हेलमेट नहीं था, वो टोपी था जो 500 रुपये में मिलते हैं, भाई महंगे के भी मिलते हैं, बट भाई लोग वो टोपी जो हम लोग पहनते हैं धूप से बचने के लिए, एंड वो वाला टोपी मिलता था उसमें उस समय आज से 3 साल पहले लेवल 1 के हेलमेट में। मतलब सोच रहे हो, फ्री फायर पहले भी टोपी पहनाता था, अभी भी पहनाता है। एंड अभी तक का एक टोपी तो आया है साथ से फ्री फायर में, ग्रीन कलर का है आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। भाई लोग आप लोग देखे भी हो गए, और भाई लोग वो भी एकदम सेम टोपी इसी तरह ही है, लेकिन भाई लोग वो ये नहीं है, ठीक है, ये पहले का लेवल 1 का हेलमेट है, ओके। तो भाई आप लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा ना यूज़ किए जाने वाला कैरेक्टर कौन सा है? देखो भाई लोग, वो आप भी यूज़ नहीं करते, ना ही मैं करता हूँ, मतलब कोई भी उसको यूज़ नहीं करता। अगर आपको 1000 में से 1 मिल जाए तो भाई लोग वो मतलब एक ऐसा कैरेक्टर है, ठीक है, इतना कम लोग उसको यूज करते हैं, मतलब बहुत ही कम लोग आपको देखेंगे उसको यूज करते हुए। जस्ट आप लोग बोल सकते हो कि उस कैरेक्टर को सब लोग भूल ही गए, ऐसा हो गया कैरेक्टर, ठीक है। उसका नाम है भाई लोग मैक्सिम, मतलब उसको पता नहीं क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि भाई लोग देख सकते हो इस समय कोरोना आ चुका है एंड बाकी सब कैरेक्टर आ गए, तो मैक्सिम को बिल्कुल ही भूल चुके हैं एंड इस वजह शायद से उसको यूज नहीं किया जा रहा है। तो बताना भाई लोग, आप लोग यूज करते हो या फिर नहीं करते हो? तो भाई लोग आपसे पूछा जाए कि एक होता है हिप्पो बंडल, एक होता है सकुरा बंडल, ठीक है, अगर इन दोनों में से आपसे पूछा जाए कि कौन सबसे ज़्यादा रेयर है, तो आप लोग में से कितने बंदे बोलोगे सकुरा एंड कितने बंदे बोलोगे? सबसे ज़्यादा बोलेंगे हिप्पो बंडल, मुझे पता है, ठीक है। तो देखो भाई लोग, हिप्पो बंडल बिल्कुल भी ज़्यादा रेयर नहीं है, है बट उतना भी नहीं है जितना सकुरा है, ठीक है, क्योंकि सकुरा अगर जो हिप्पो बंडल है अगर वो सबके पास 70% के पास है, तो सकुरा बंडल सिर्फ और सिर्फ 30% के पास, अगर आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो बताना भाई लोग, आप किसको चूज़ करना चाहोगे? तो आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा रेयर इमोट कौन सा है? भाई लोग देखो, आप लोग बोलो कि जितने भी मतलब रेयर इमोट आप लोग सोच रहे हो वो नहीं है, जस्ट सोच लो, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेयर इमोट एक ही है जो हमारे फ्री फायर में जो आप लोगों का नाम शो करता है, जो कि झंडा वाला इमोट है। देखो भाई लोग, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता एकदम ही रेयर है, बट हाँ रेयर है, ठीक है, एंड इस पर नाम शो होता है कुछ सेकेंड के लिए या फिर कुछ 1-2 मिनट के लिए होता है, एंड उसके बाद ये हट जाता है, लेकिन एक लौता इमोट है जो हम लोग का नाम बता रहता है एनिमी को भी, ठीक है। एंड ये फ्लैग इमोट 1 ऑफ द फेवरेट इमोट है मेरा, ठीक है, एंड आपके पास है या नहीं है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि ये आज से 1 साल पहले आया था। यस, आप लोगों को पता है भाई लोग कि हमारे फ्री फायर में 2 महीने से कोई भी टॉपअप इवेंट नहीं आ रहा है, 2 महीने उससे ज़्यादा ही हो गया आई थिंक। देखो भाई लोग, जो लास्ट टॉपअप इवेंट था वो था एक सर्वोट था, एक फूल जैसा सर्वोट, एंड आप लोग उसको देखे भी हो गए, एंड भाई लोग उसके अलावा आज तक मतलब अभी तक कोई टॉपअप इवेंट आया ही नहीं, आज तो अपडेट है, लेकिन भाई लोग कोई भी टॉपअप इवेंट नहीं आया। जस्ट आप लोग सोच सकते हो, पहले के समय पे फ्री फायर रुकता ही नहीं था, मतलब 1 हफ्ता ख़त्म होते ही दूसरा टॉपअप इवेंट आ जाता था, ठीक है, लेकिन अभी के समय पे क्यों नहीं आ रहा आपको पता है? तो भाई लोग, वो जानने से पहले आप लोग से बता दो, आप लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो गिवअवे में? देखो भाई लोग, आपको कुछ नहीं करना, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई लोग एक साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अभी देख लाइक किया तो प्लीज़ भाई लोग एक साथ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, एंड समझ रहे हो ना भाई तुम्हारा भाई कितना क्लोज है, तो प्लीज़ एक साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई लोग, एंड अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, एंड
ये दोनों चीज़ करने के बाद आपको जानना है इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड पे। देखो भाई इंस्टाग्राम पे जरूर से जाना एंड इंस्टाग्राम पे जाने के बाद अपनी UID कमेंट कर देना। एंड अगर आप डिस्कॉर्ड पे आते हो तो कैसे आने वाले समय पे वहाँ पे गिव अवे हो सकता है, जरूर जाके वहाँ पे हम आते हैं बात करते हैं। तो आप लोग शाम के समय पे आके चेक कर लिया करो, मैं उधर बैठा रहता हूँ तो आके बात कर सकते हो, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पे जरूर से जाके अपनी UID कमेंट कर देना। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग प्लीज़ ऐसा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अभी बात कर लेते हैं भाई लोग कि टॉप अप इवेंट क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, फ्री फायर में। देखो भाई लोग सभी लोग इंतजार कर रहे हैं टॉप अप इवेंट कब आएगा कब आएगा। तो आप लोग से बता दूँ टॉप अप इवेंट इस वजह से नहीं दे रहे, तो आप लोग सोचो जब किसी के पास ज़्यादा हो जाता है तो क्या वो मतलब उस पर ध्यान देता है, नहीं देता। तो आप लोग समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अभी फ्री फायर के पास मतलब दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की, तो इस वजह से फ्री फायर टॉप इवेंट नहीं ला रहा है। तो आने वाले समय पर आ सकता है जब उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आप लोग को डायरेक्टली नहीं समझा सकता, इस वजह से इनडायरेक्टली बताया, ठीक है, तो समझ जाना। तो पहले आप लोग को पता है गेम के अंदर हम लोग को दो इमोजी मिलता है भेजने के लिए एक दूसरे को फ्रेंड लोगों, ठीक है। जैसे कि एक होता है मैट चिकन जो भाई लोग हम लोग खरीदते हैं 15 डायमंड से, ओके। एंड भाई लोग वो जो चिकन वाला इमोजी होता है वो डायमंड से मिलता है, एंड जो सिंपल होता है वो कॉइन से मिलता है 1500 कॉइन से, ठीक है। एंड उसको बहुत लोग ले भी लेते हैं, एंड आप लोग भी लिए हो गए आई थिंक, ठीक है। एंड आप लोग से बता दो भाई लोग वो इमोजी किसी से इंस्पायर है, ठीक है, सब नहीं है बट हाँ है। तो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर भाई लोग ये सारे इमोजी, इसमें से आप लोग जो जो कैरेक्टर देख रहे हो ये सब इसमें से ही बना, ठीक है। मतलब आप लोग हल्का हल्का अगर दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब मैच हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे से ही इंस्पायर है, ठीक है, ये इमोजी। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा है वो गरीना वाले ने खुद से डिज़ाइन किया है, एंड बाकी भी खुद से किया है बट वो सब कैरेक्टर के जैसे हैं, एंड बाकी मतलब खुद से किया है, समझ सकते हो, ठीक है। तो भाई लोग जो भी अभी आप लोग को बताने वाला बिल्कुल ही मिस्ट्रियस है, एंड आप लोग से बता दो भाई लोग जो हम लोग का अभी का इमोट जो आ रहा है जितने भी आ रहे हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी हम लोग के कलेक्शन में नहीं दिखते हैं, मतलब वो अदर से आ जाते हैं बस। जस्ट अगर आप उसको लिए तो आपके कलेक्शन में शो होगा, अगर आप नहीं लिए तो वो शो नहीं होगा कहीं भी, ठीक है। एंड जो पुराने इमोट पहले होते थे भाई लोग जो पहले आपके कलेक्शन में पहले आ जाते थे, मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे लॉक रहता था, लेकिन भाई लोग आप उसको देख पाते थे कि ये इमोट आने वाला है, ठीक है। एंड वो इमोट आता भी था टॉप अप इवेंट पे या फिर कहीं से भी आ जाता था, ठीक है, लेकिन अदर नहीं आते थे। लेकिन इस समय भाई लोग वहाँ पे कलेक्शन में आपको वो नहीं दिखेगा, लेकिन वो अदर से आ जाएगा, एंड आने के बाद वो अगर आप उसको लिए तो आपके कलेक्शन में शो होगा, अगर नहीं लिए तो वो नहीं सही होगा, नहीं शो होगा, ठीक है। एंड बताना भाई लोग आपको पता था कि नहीं पता था। एंड भाई लोग एक साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, कर दो भाई लोग, बुरा लगता है यार, प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है। तो पहले जब हम लोग एलोप्लेन से लैंड करते हैं, उस समय लैंड करते समय हम लोग के पैरों में एक सरबोट आता है, ठीक है। आप लोगों को पता है ये कब लॉन्च हुआ था? तो भाई लोग आप लोग से बता दूँ सरबोट हमारे फ्री फायर में 24 सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ था। एंड भाई लोग उससे पहले हम लोग ऐसे ही हवा में तैरते तैरते उतरते, मतलब समझ सकते हो आप लोग जो लोग पबजी को देखे हुए खेले हुए उसको पता होगा उस समय ऐसा सीन था। लेकिन भाई लोग उससे पहले हम लोग ऐसे ही उतरते थे, उसके बाद हम लोग सरबोट आ गया पैर में क्योंकि सब लोग कॉपी कॉपी बोलते थे इस वजह से, ठीक है। एंड आप लोग समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो भाई अभी रह गया हमारा सबसे लास्ट खतरनाक फैक्ट, ठीक है, क्योंकि ये भाई लोग हमारा गेम आखिर क्यों बंद रहता है आज के दिन, मतलब जो आज अपडेट है आप लोग पता होगा, आप लोग चील मार रहे हो, ठीक है, चील नहीं मार रहे होगे, बोर हो रहे होगे, मुझे पता है। एंड भाई लोग आप लोग एक साथ लाइक कर दो भाई लोग, ठीक है, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे भाई लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आप लोग से बता दो भाई लोग ये बंद क्यों रहता है हम लोग का गेम, ठीक है। देखो बाकी गेम भी है जैसे कि पबजी वगैरह ये सभी गेम है, ठीक है, आखिर ये बंद क्यों नहीं होते हैं भाई लोग? ये मतलब गेम खेलते खेलते ही अपडेट हो जाते हैं, ठीक है, एंड आप लोग बाद में अपडेट कर लेते हो। आखिर हमारा फ्री फायर क्यों बंद रहता है, ठीक है? देखो भाई लोग हर गेम का अलग अलग कॉन्सर्ट होता है। एंड आप लोग से बता दो भाई लोग जो फ्री फायर है उसका हर एक छोटा छोटा पार्ट बहुत मुश्किल से या फिर ऐसा कुछ सीन होगा जो नहीं लगा पाते होंगे गेम खेलते खेलते, जब आप लोग गेम खेलते हो तो उस समय वो नहीं जोड़ सकते, ऐसा कुछ सिचुएशन होगा। तो भाई लोग इस वजह से वो हर बार गेम को बंद करते हैं ताकि वो अच्छे से लगा पाए एंड वो अपडेट अच्छे से पूरा हो पाए, ठीक है, बस यही वजह हो सकती है भाई लोग। एंड बाकी भी वजह हो सकती है, मैं कन्फर्म नहीं हूँ। एंड भाई लोग आप बताना आपको कैसा लगा भाई लोग, प्लीज़ एक साथ लाइक कर दीजिए। एंड मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड ध्यान रखना अपना और मम्मी पापा का, घर में रहना, ध्यान रखना, एंड रमजान मुबारक सबको फिर से, एंड लव यू मेरे भाई लोग, ध्यान रखना सब लोग, ठीक है। चाचा क्या कर रहे हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर जाके गिव अवे ज्वाइन कर लो यार, प्लीज जाओ चाचा, एंड सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, कल आ जाना चाचा, ठीक है।